तो भाई लोग कैसे हो, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और इस वाली वीडियो में भाई लोग हम खोलने वाले हैं फायर आर्म करेट, जो कि सुबह सुबह ही आज हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर आई हुई है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो 10 कूपन्स मतलब 10 करेटें जो पड़ी हुई हैं उसमें हमको क्या कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मिलता है क्या मिलता है, जो भी होगा आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर भाई लोग आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि आगे आने वाली ऐसी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ भाई लोग अगर आपने अभी तक मतलब विनर पास की लीक्स नहीं देखी है सीजन 17 की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं करेट ओपनिंग के साथ। हाँ, तो जैसा कि भाई लोग आप देख सकते हो कि हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर आ चुकी है बोक नट UMP-45। अब ये बोक नट पढ़ते हैं इसको या फिर बोक नोट पढ़ते हैं, भाई ये तो आप ही पढ़ लो, क्योंकि मेरे को मतलब पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। फिलहाल भाई लोग हमने पहली करेट ओपन की और हमारे पहली करेट में निकला है देसी कट्टा की स्किन, जो कि वन डे के लिए और फिर से टू डे के लिए। तो मतलब भाई वन डे टू डे और थ्री डे, अब निकलेगा थ्री डे के लिए, तो देखो फिर टू डे। अरे यार मतलब भाई 10 करेट में आपको लगता है कि मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मेरे को कमेंट में बताओ जल्दी से। अरे यार वन डे भाई, अब देखना टू डे के लिए निकलेगा, मतलब बोल रहे हैं ना अब टू डे के लिए UMP निकल आएगी। देखा भाई देखा, मतलब कोडिंग फिक्स कर रखी, मैं सब समझ रहा हूँ उनकी भावनाओं को, क्या ही बोला जाए भाई। मतलब अब इस कारण निकल आएगी वन डे के लिए, मुझे पता है सब, ये तो फिर टू डे के लिए वो निकल आएगी UMP-45, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। फिलहाल भाई लोग अभी हम सोल्जर करेट ओपन कर लेते हैं, शायद बोलते हैं इससे लक थोड़ा अच्छा हो जाता है, जो बैड लक होता है वो निकल जाता है, तो देख लेते हैं भाई फिर। हाँ तो अब चलते हैं भाई लोग अपने फिर से करेट ओपनिंग की तरफ, अभी 5 करेट हमारे पास बाकी हैं, तो देख लेते हैं फिर। और भाई 3 डे के लिए भाई क्या ही बोला जाए, मतलब भाई वन डे फिर से उन्होंने वही वाला काम शुरू कर दिया भाई, अब 2 डे के लिए कट्टा निकाल दो वन डे के लिए UMP-45। मतलब भाई आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको मिला कुछ या नहीं मिला, जो भी मिला आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं। 2 डे के लिए कट्टा, अरे भाई साहब लास्ट करेट बची है हमारे पास, और देखते हैं हमारी किस्मत, पिछली बार तो निकल आया था, इस बार देखते हैं फिर क्या होता है। ओ भाई साहब 2 डे के लिए इसका, मतलब सभी टट्टी चीजें निकली हैं भाई, क्या ही बोला जाए। तो फिलहाल भाई लोग उसमें तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, बाकी आप लोग अब गेम प्ले वीडियो एंजॉय करो, तो चलते हैं अब अपनी गेम प्ले की तरफ। तो भाई आ चुके हैं एक और गेम प्ले के साथ वापस, और इस वाले गेम प्ले में हम जो है जा रहे हैं ओल्ड बेसन, और पहले वहाँ तबाही मचाएंगे फिर पूरे वरेंगा में तबाही मचाएंगे। तो भाई गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए पूरा एंड तक देख लेना। उससे पहले भाई लोग अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, और भाई आप मेरे को कमेंट में जल्दी से जाकर बताओ कि आपको कौन सी गन की स्पिन मिली या फिर नहीं मिली। फिलहाल भाई लोग यहाँ पे सामने ही आपको दिख गए होंगे जो कि 4 बंदे उतर रहे हैं, उनमें से भाई एक बंदा तो अभी मेरे हाथों चढ़ने वाला है, तो फिर देखो फिर क्या होता है यहाँ पे। अब भाई उतरते ही शायद से इस बंदे का नेट जो है धोखा दे जाता है, और मतलब क्या ही बोला जाए, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका उतरते ही नेट धोखा दे जाता है, और भाई आपके साथ भी सेम यही सीन होते हैं, उतरते ही पेटी बन जाती है। तो भाई जैसे ही आप गेम में वापस आओगे भाई सर्वर रिस्पॉन्ड करने के बाद, तो भाई एक प्यारा सा मैसेज आपको मिलता है, और वो मैसेज आपको क्या मिलता है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल भाई लोग यहाँ पे मेरे पास UMP में ज़्यादा गोलियाँ रह नहीं गई थी, तो भाई अभी जो है वक्त आ चुका है अपने टीममेट से मतलब मांगने का। तो भाई अपने टीममेट से उधार ले लेते हैं, जो कि बाद में कभी हम वापस करने भी नहीं वाले उसको। अब देखो सामने एक बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिए थे, तो बाकी फिलहाल यहाँ पे 3 बंदे बचे हुए हैं, तो फिर चलते हैं उनको भी निपटाते हैं। और ये बंदा पता नहीं कहाँ से भाई मतलब कितनी तेजी चौड़ में आ रहा था, लेकिन
पूरी चौड़ भाई की खत्म हो जाएगी। फिलहाल भाई लोग बंदे के पास सिर्फ म्यूटेंट और शॉर्ट गन थी जो कि मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता, तो क्या वजह। और एक बंदे को हमारे मतलब भैया जी ने निपटा दिया। और भाई सामने मेरे को एक बंदा स्पोर्ट होता है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ और नॉक भी कर देता हूँ। तो भाई पता नहीं ये बंदा था ये बॉट था, फिलहाल भाई लोग ये तो मेरे को बॉट ही लग रहा था भाई। बाकी सामने एक बंदा मेरे को स्पोर्ट होता है तो भाई अब इसको भी पकड़ते हैं। और भाई अचानक आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, पता नहीं क्या ही गलत सीन हुआ भाई, अचानक ही मेरी हेल्थ 50% हो जाती है। तो भाई आपके साथ भी ऐसा ये गलत सीन हुआ या नहीं हुआ, फिलहाल लोग मेरे को पता है कि मेरा पिंग इशू यहाँ पे चल रहा है तो भाई क्या ही कर सकते हैं आप। फिलहाल भाई लोग यहाँ पे एक मेरे को बॉट मिलता है जिसको निपटा के अब यहाँ पे शायद से पायलट प्लाजा क्लियर हो चुका है। तो भाई अब चलेंगे दूसरे बंदों को पेलने और बाकी बंदों को पेलने। बाकी भाई लोग पायलट प्लाजा क्लियर करने के बाद हम सीधा जा रहे होते हैं सेंट्रल रोड वाली पहाड़ी। और सेंट्रल रोड वाली पहाड़ी में जाने से पहले भाई लोग हमको सामने से ही गन शॉट्स आ जाते हैं। तो भाई चलते हैं जहाँ से गन शॉट्स आ रहे हों वहाँ भी बंदे के मतलब कतई थर्ड पार्टी कर देंगे। तो देखो फिर और यहाँ भाई इस बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ लेकिन भैया हमारे टीममेट उतारते हैं वो उतारते ही पट से हेडशॉट दे देते हैं तो भाई वो बंदा वहीं डाउन हो जाता है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं अब। फिलहाल भाई लोग यहाँ एक ऊपर बंदा बैठा होता है जो कि कैंप दबा के पता ही नहीं क्या ही कर रहा होता है तो उसको मैं जाके निपटा देता हूँ। नीचे एक बंदा होता है तो उसको मेरा टीममेट निपटा देता है। फिलहाल एक बंदा और होता है यहाँ पे जो मैं टीममेट को नॉक कर देता है तो अब पकड़ते हैं उसको। बाकी वो बंदा पता नहीं कहाँ ही गैब हो गया तो भाई वो बंदा तो अभी फ़िलहाल हमको मिला नहीं। लेकिन भाई अब एक और गाड़ी ने हम पे रस कर दिया तो फिर देखते हैं उनको भी। और इस वाले बंदे को मारने के लिए भाई क्या ही रिंगा रिंगा रोज खेलना पड़ा, मतलब क्या ही बोले। फिलहाल भाई लोग इसका एक और टीममेट यहाँ पे आया होता है लेकिन भाई उस टीममेट को मतलब ये एक और बंदा जो इस टीम का बाकी होता है वो निपटा देता है। और वो बंदा पास ही में कहीं घास में सांप बन चुका है तो भाई जानते हो भाई सांपों की ज़िंदगी कैसी होती है। फिलहाल भाई लोग यहाँ पे हम हील ही लगा रहे होते हैं तभी हमारे टीममेट को एक बंदा स्पॉट होता है जो कि सांप बने हुए, तो देखते हैं उसको। और भाई यहाँ पे सांपों को देखना भाई मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है सांपों को देखना। तो भाई सांपों सांप से चक्कर मौत से टक्कर तो भैया क्या ही बोला जाए अब। फिलहाल भाई लोग वो लोग हम पर रस कर रहे हैं तो देखो फिर कैसे निपटाते हैं उनको। और भाई ये बंदे कुछ ज़्यादा ही चौड़ में रस कर देते हैं यहाँ पे लेकिन भाई इन तीनों बंदों को इजीली निपटा दिया जाता है। और भाई लोग क्या ही बोला जाए मतलब ये लोग डैमेज भी नहीं कर पाते ज़्यादा हमको। और फिलहाल भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अपने टीममेट को रिवाइव देंगे उसके बाद दबा के लूटेंगे जब तक भाई अपना बैग मतलब फुल नहीं हो जाएगा तो दबा के लूटेंगे। और यहाँ भाई मैं जो काम सब कोई करता है मैं मतलब पेटी बनाने के बाद वही मैं कर रहा होता हूँ दबा के लूटना भाई पूरा बैग फुल करना। लेकिन तभी भाई लोग हमारे टीममेट बताते हैं कि भैया पास में बंदे आ चुके हैं। और फिर देखो भाई ये बंदे का नशे देखो भाई इन दोनों बंदों के। मतलब भैया कतई आंखों के सामने से गाड़ी चोरी करके लिए जा रहे हैं भाई क्या ही बोला जाए अब। कतई फील में थे बंदे भाई मतलब फाइट ले सकते थे ये बंदे मतलब दो तीन बंदे थे यार देखो यार फाइट ले सकते थे लेकिन भैया जी को फाइट नहीं लेनी मतलब क्या ही करना है। अब सामने भाई लोग एक बंदा स्पोर्ट होता है और उसको मैं M24 का शॉट देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पता है कि बाद में आप लोग जाके कमेंट करोगे भाई तुमने M24 उठाई और M24 से शॉट एक भी नहीं लगाया। तो भाई देखो फिर M24 उठाना सफल हो जाता है यहाँ पे मेरा। लेकिन भाई सामने एक बंदा स्पॉट होता है जिसको कि मेरा टीममेट मतलब मैं यहाँ से कवर दूंगा और टीममेट
वहाँ से मेरा फेल देगा तो भाई स्ट्रेटजी काम आ जाती है हमारी। बाकी फिलहाल भाई लोग सामने ये पक्की वाला बंदा दिखता है जिसको भाई कतई लपेट दिया जाता है बिल्कुल एक्सप्लोजन के साथ। तो भाई देखो बाकी फिलहाल भाई लोग अभी जो है 11 बंदे अलाइव होते हैं जिनमें से मतलब तुम्हारा भाई कितने बंदे फेलने वाला है देख भी नहीं क्योंकि भाई बाकी के बचे बंदों के टिकल्स हमारे टीममेट्स ले लेते हैं और साथ ही साथ भाई मतलब किस्मत ही खराब होती है वो आरपीजी वाला बंदा मतलब क्या ही तबाही मचाने में जुटा होता है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो भाई गेम प्ले वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आप अभी तक आपने सीजन 17-12 पास की लीक्स नहीं देखी हैं तो जाके कमेंट पिंड कमेंट में आप देख सकते हो लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और साथ ही साथ इन स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर और पड़ी हुई है तो जाके आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं अनदर वीडियो में। बहुत ज़्यादा।